सबसे पहले जो है ना आपकी नजर मेरी इस चेयर पे पड़ी होगी और आप लोग कह रहे होंगे कि फाइका आपकी चेयर जो है वो खराब हुई हुई है, टूट गई, दो हिस्सों में तकसीम हो गई, जैसे इंडिया और पाकिस्तान। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप थोड़ा लेट हो गई हैं। तो भाई देखो, जिंदगी में और भी बहुत सारे काम होते हैं। इंडिया वालों, तुम लोगों ने तो वीजा ही नहीं दिया पाकिस्तानियों को। नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आती किस चीज का खौफ है आप लोगों को, हम लोगों ने क्या कर देना आके। मैं हैरान हूँ श्रीलंका टीम को हो क्या गया भाई। जब श्रीलंका और इंडिया का फाइनल हुआ है तो श्रीलंका इतनी बुरी तरह हारा है, इतनी बुरी तरह, मतलब सिर्फ 50 स्कोर, सिर्फ 50, मतलब वो फाइनल कम और वार्म अप मैच ज्यादा लग रहा था। मैं दिल से चाहती हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में जाएं, और मैं ये भी दिल से चाहती हूँ कि पाकिस्तान जीते। ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान की कहूंगी ना, पाकिस्तान की हूँ तो पाकिस्तान की कहूंगी। बहुत तेज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? कहीं से उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक कैसे होंगे। तो आई नो सबसे पहले जो है ना आपकी नजर मेरी इस चेयर पे पड़ी होगी और आप लोग कह रहे होंगे कि फाइका आपकी चेयर जो है वो खराब हुई हुई है जी। सो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरी जो चेयर थी पहले वाली ब्राउन कलर की थी और ये ब्लैक कलर की है, तो वो जो है वो टूट गई, दो हिस्सों में तकसीम हो गई, जैसे इंडिया और पाकिस्तान। अच्छा, बल्कि मैं आप लोगों को चेयर दिखाई देती हूँ कि उसका क्या हाल हुआ। भाई आप लोग देख सकते हैं इसको जो है ना, मैं आजकल कपड़ों के लिए यूज कर रही हूँ, लाइक जो भी कपड़ा होता है ना, लाइक ड्रेस उतारती हूँ उसके ऊपर फेंक देती हूँ, टॉवल मैंने इसके ऊपर हैंग किया हुआ है। कौन है ये लोग? है टॉपिक के हवाले से बात करते हैं और थंबनेल से आपको अंदाजा हो गया क्योंकि आज मैं किस हवाले से बात करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। एक ही काम है आप लोगों का, बस आपने एक वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब भी करना है, इसके अलावा आपने सिर्फ आराम से बैठ के वीडियो देखनी है। अच्छा, तो कल जो है वो इंडिया में पहला वर्ल्ड कप का मैच रखा गया है जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीम थी। सो मैच जो है ना वो कल हुआ है और मैं सोच रही थी कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप थोड़ा लेट हो गई हैं। तो भाई देखो, जिंदगी में और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो अब मैं फ्री, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में भी बात की जाए। और कल के मैच से थोड़ा डिसअपॉइंट हुई हूँ मैं। भाई पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हुआ जिसमें न्यूजीलैंड जीत गया, और बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच हुआ जिसमें बांग्लादेश जीता। हर कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हुआ एंड द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग इज दैट कि यार स्टेडियम बिल्कुल खाली था, बिल्कुल भी वहां पे लोग नहीं थे, वहां पे कोई म्यूजिक नहीं था। मतलब मैं हैरान हूँ कि कोई भी नहीं गया यार पाकिस्तान या न्यूजीलैंड को सपोर्ट करने इंडिया से। खैर बात करें न्यूजीलैंड की, तो वो है दुनिया के दूसरे कोने में और आई थिंक ये वार्म अप मैच था तो उसके लिए वो आएंगे नहीं। और रहे पाकिस्तान, तो भाई इंडिया वालों, तुम लोगों ने तो वीजा ही नहीं दिया पाकिस्तानियों को। नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आती किस चीज का खौफ है आप लोगों को, हम लोगों ने क्या कर देना आके। जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं डकी भाई और एक दो और थे, उनका वीजा तक रिजेक्ट कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया ने अगर करवाया है तो इंडिया अगर चाहता था कि पाकिस्तान ना ही आए हमारी कंट्री में, पाकिस्तान जो है वो कुछ कर ही ना दे इंडिया में आके, लाइक इतना इतना खौफ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा हमने क्या कर दिया है कि इतना खौफ फैल गया है इंडिया में कि पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दिया। पहली बात तो ये इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया करवा रहा है वर्ल्ड कप तो इंडिया की मर्जी है कि वो जहां मर्जी करवाए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम इतना तो होना चाहिए था कि आप लोग पाकिस्तानी को वीजा तो देते। सीरियसली मेरा माइंड था कि मैं जाऊं अभी नहीं, कुछ दिन बाद, लाइक जब फाइनल तक बात चली जाएगी, अगर पाकिस्तान फाइनल में जाता है तो। अभी तो खैर वार्म अप मैचेस होने हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि डकी भाई और दो तीन और यूट्यूबर थे उनको वीजा नहीं मिला, तो मैंने कहा मुझे कहां से मिलेगा भाई, मुझे तो मिलना ही नहीं है। है दूसरी साइड की तरफ आते हैं श्रीलंका और बांग्लादेश। मैं हैरान हूँ श्रीलंका टीम को हो क्या गया भाई, मतलब ये इतनी अच्छी टीम थी, इतनी जबरदस्त टीम थी, इसको हो क्या गया? या तो ये टीम कमजोर हो गई है या फिर बाकी की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। खैर एशिया कप की तरफ आते हैं। एशिया कप में श्रीलंका और पाकिस्तान का जब मैच हुआ था तो श्रीलंका जीता था जस्ट 1 स्कोर से पाकिस्तान से। एंड देन जब श्रीलंका और इंडिया का फाइनल हुआ है तो श्रीलंका इतनी बुरी तरह हारा है, इतनी बुरी तरह, मतलब सिर्फ 50 स्कोर, सिर्फ 50। मैंने तो उसी वक्त कहा था कि श्रीलंका का जो मैच है ना वो पाकिस्तान को दे देना चाहिए, बिकॉज एक स्कोर से जीतना ये कोई जीत नहीं होती है। खैर श्रीलंका फाइनल में आया और इंडिया ने इतने बुरे तरीके से श्रीलंका को हराया यार, सीरियसली, मतलब वो फाइनल कम और वार्म अप मैच ज्यादा लग रहा था। और कल भी जो है वो श्रीलंका बांग्लादेश से बहुत बुरी तरीके से हारा है, मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस था यार। श्रीलंका टीम तो बहुत अच्छी खासी टीम थी, इनको हो क्या गया मुझे ये समझ नहीं आ रही है। खैर मैं तो यही कहूंगी कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो जाए तो मजा ही आ जाए, इंशाल्लाह इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में जाएंगे। अब इंडिया वाले तो खैर खुश हो गए होंगे भाई। देखिए द मोस्ट एक्साइटेड थिंग इज दैट कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना पूरे वर्ल्ड वाइड में देखा जाता है, और मैं दिल से चाहती हूँ, सीरियसली मैं दिल से चाहती हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में जाएं, और मैं ये भी दिल से चाहती हूँ कि पाकिस्तान जीते। ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान की कहूंगी ना, पाकिस्तान की हूँ तो पाकिस्तान की कहूंगी।
बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अब इंडियन फैंस जो है वो नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। देखिए मैं पाकिस्तान की हूँ, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगी, और जो इंडिया वाले हैं वो इंडिया को सपोर्ट करने में भी नाराज नहीं हो रही, तो आप लोगों भी नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। और जाते जाते एक बात कहूंगी मैं कि बहुत ज्यादा अच्छा वेलकम हुआ था पाकिस्तानी टीम का इंडिया में, और जैसे कि ये दुश्मनी वगैरह चल रही है इसके बावजूद बहुत अच्छा वेलकम किया गया। मैं एकदम इंटरव्यू ले रही थी और मैंने भाई साहब से सवाल किया था कि सबसे ज्यादा फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था विराट कोहली है। तो आप लोग मुझे आज कमेंट्स में बताइए कि इंडिया वालों, अगर आप लोग मेरे सामने होते तो मैं आप लोगों से सवाल करती, लेकिन मैं मजबूरन वीडियो में आप लोगों से सवाल कर सकती हूँ कि आप लोगों का द मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर कौन है। एक साथ वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, गाँव में याद रखें, और मैं सही बताऊँ तो मुझे सिराज, आजकल सिराज जो है वो बहुत छाया हुआ है तो वो मुझे पसंद है फिलहाल, और सिराज जो है वो मुस्लिम भी है तो ऑब्वियसली मुझे तो वो फिर पक्का मतलब पसंद से मुराद लाइक फेवरेट एक होता है ना, अपना फैन होता है क्रिकेट, अगर क्रिकेट फैन है ना तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो वीडियो करते हैं यहीं पर, अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर का नाम बताना है आपने मुझे कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज़।